हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर फंडामेंटल सब्जेक्ट टॉपिक इज हॉस्पिटल टाइप्स क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन। तो हॉस्पिटल का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ हॉस्पिटल। तो इंग्लिश वर्ड हॉस्पिटल ओरिजिनेट फ्रॉम लेटिन वर्ड होस्पाइल। ठीक है, लेटिन वर्ड होस्पाइल के से ओरिजिनेट हुआ है इंग्लिश वर्ड हॉस्पिटल। ठीक है, और कुछ कुछ सम यूज ये भी हैं कि फ्रेंच वर्ड हॉस्पिटल से भी हॉस्पिटल वर्ड बना है। ठीक है, हॉस्पिटल हॉस्पिटेली से हॉस्पिटल बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं कि हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है कि नाउ मतलब करंट में हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल का क्या काम होता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करना। ठीक है, मतलब मेन पर्पस हॉस्पिटल का पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना। ठीक है, लेकिन अभी टेम्परेरी अभी करंट में हॉस्पिटल का मतलब होता है टेम्परेरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सिक और इंजर्ड पर्सन। ठीक, सिक एंड इंजर्ड पर्सन ट्रीटेड। डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल by WHO. तो हॉस्पिटल इज ए रेजिडेंस एस्टैब्लिश विच प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशनल डायग्नोसिस थेरेप्यूटिक एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज फॉर पर्सन सफरिंग और ससेप्टेबल टू बी सफरिंग फ्रॉम डिजीज और इंजर्ड एंड टू पार्टिसिपेंट्स इट मे और मे नॉट आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एम्बुलेटरी पेशेंट ऑन एंड आउट पेशेंट बेसिस। मतलब WHO के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल का क्या मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, साथ में ऑब्जर्वेशनल भी उसमें केयर होती है, डायग्नोसिस होता है, थेरेप्यूटिक केयर होती है, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज होती है। ठीक है, और किसी पर्सन मतलब किन किन की होती है ये सब केयर, मतलब जो पर्सन सफ़र कर रहा है। ठीक है, किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है या फिर किसी इंजरी से सफ़र कर रहा है। ठीक है, और भी कई केयर हो सकती है, जैसे मे और मे नॉट आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एम्बुलेटरी पेशेंट ऑन एंड आउट पेशेंट से, मतलब जो OPDs होती हैं आउट पेशेंट बेसिस होते हैं उनमें भी जो एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं मतलब जो ज़्यादा सिक नहीं है उनके लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये हमने देखी थी WHO एक्सपर्ट कमेटी 1963। ठीक है, अब देखते हैं WHO एक्सपर्ट कमेटी 1956 के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है। द हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हॉस्पिटल एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट होता है मतलब जो सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक हॉस्पिटल इंटीग्रल पार्ट होता है जिसका फंक्शन होता है पॉपुलेशन को कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, साथ में क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड करना और प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, और साथ में आउट पेशेंट सर्विसेज को भी केयर प्रोवाइड करना, है ना, फैमिलीज को केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, उनके होम एनवायरनमेंट में और हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग देना। ठीक है, और बायो सोशल रिसर्च करना। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मतलब हॉस्पिटल को बहुत तरह से क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं हॉस्पिटल के। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, जैसे कि द क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे ऑफ हॉस्पिटल, क्लिनिकल बेसिस, ओनरशिप या कंट्रोल बेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, साइज, मैनेजमेंट एंड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले देखते हैं हॉस्पिटल लेंथ ऑफ स्टे, मतलब इसमें क्या क्लासिफाई किसके अकॉर्डिंग है, मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट कितने समय तक स्टे कर रहा है। तो लेंथ ऑफ स्टे,
तो लेंथ ऑफ स्टेम क्या होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जो मतलब कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जैसे कि निमोनिया, तो जैसे निमोनिया और पेप्टिक अल्सर जैसे डिजीजेज होते हैं तो उनका एक्यूट नेचर होता है। तो ऐसे डिजीजेज में पेशेंट का स्टे शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में स्टेज जैसे कि क्रोनिक डिजीजेज होती हैं जैसे कि टीबर टीबी है, लेप्रोसी या कैंसर जैसे डिजीज होते हैं, तो इनमें पेशेंट का स्टे लॉन्ग टर्म होता है। और उसके बाद में है क्लिनिकल बेसिस स्पेशलिटी। तो क्लिनिकल बेसिस में जैसे जनरल एंड स्पेशलिटी, मतलब जनरल के जनरल केयर कैसे कि जैसे कि ऐसे हॉस्पिटल जिन जो लाइसेंस्ड ऐसे लाइसेंस्ड हॉस्पिटल होते हैं और जनरल हॉस्पिटल एज ए जनरल हॉस्पिटल कंसिडर्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल क्या होते हैं कि जो ऑल सभी तरह की डिजीजेस को ट्रीट करते हैं, ठीक है। और स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या होते हैं, एक किसी एक स्पेसिफिक ये मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है, मेजर फोकस एक एक स्पेशली डिजीज पे ही होता है जैसे कि हार्ट डिजीज या कैंसर पे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो ये हॉस्पिटल का अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो पब्लिक हॉस्पिटल मतलब ओनरशिप या मतलब किसके अकॉर्डिंग होता है, ओनरशिप या कंट्रोल मतलब किसका कंट्रोल है हॉस्पिटल पे उसके अकॉर्डिंग, किसकी ओनरशिप है उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफाई है। जैसे कि पब्लिक हॉस्पिटल्स है, ठीक है, वॉलंटरी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वॉलंटरी नर्सिंग होम्स हैं, ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स भी आते हैं इसी में, ठीक है। और उसके बाद कॉरपोरेटिव हॉस्पिटल, ठीक है। अगला है हॉस्पिटल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। तो टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल जिसमें कि हेल्थ केयर वर्कर्स को टीचिंग और रिसर्च का काम भी वहाँ पे किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर कॉलेज अटैच होती हैं जैसे कि मेडिकल नर्सिंग डेंटल फार्मेसी एजुकेशन, ये सब ऐसे हॉस्पिटल के साथ में अटैच होती है, ठीक है। तो ऐसे हॉस्पिटल का मेन काम क्या है, तो रिसर्च करना और हेल्थ केयर प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर इज सेकेंडरी, हेल्थ केयर इनका सेकेंडरी काम होता है जैसे कि एम्स पीजीआई चंडीगढ़ या पीजीआई एमईआर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है जनरल हॉस्पिटल। तो जनरल हॉस्पिटल में क्या होता है, जो कॉमन डिजीज़ होती हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, कॉमन डिजीज़ या कॉमन कंडीशंस का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। और मेन इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मेडिकल केयर प्रोवाइड करना पीपल्स को, ठीक है। और जैसे कि ओल्ड डिस्ट्रिक्ट या जो तालुकाज होती है या फिर पीएससी होती है, रूरल हॉस्पिटल्स होती हैं, वो इस टाइप जनरल हॉस्पिटल में इसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जैसे कि किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए वो बनाया गया हो जैसे कि टीबी या फिर ईएनटी हॉस्पिटल या लेप्रोसी हॉस्पिटल या एसटीडीज हॉस्पिटल। उसके बाद में आइसोलेशन हॉस्पिटल। आइसोलेशन में जो पेशेंट इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है उनके लिए ये हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें आइसोलेशन रिक्वायर होता है, जैसे कि एपिडेमिक डिजीज़ हॉस्पिटल, ठीक है, बेंगलोर, ऐसे ये हॉस्पिटल का टाइप है, एग्जांपल है। उसके बाद में हॉस्पिटल बेस्ड ऑन साइज। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट टीचिंग हॉस्पिटल। तो टीचिंग हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो बेड होते हैं इनके अंदर जो 500 बेडेड के हॉस्पिटल होते हैं टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक है। और उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने होते हैं उनके अकॉर्डिंग में की बेड की साइज इंक्रीज की जाती है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में
200 बेड का होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, और 300 बेड तक भी इसको किया जा सकता है, डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर। उसके बाद में तालुका हॉस्पिटल, तालुका हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल होता है, ठीक है, उसके बाद में बढ़ाया जा सकता है, डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर। उसके बाद में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CSC एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 6 बेड होते हैं, ठीक है, इनको इंक्रीज किया जाता है 10 तक, 10 बेड तक इंक्रीज किया जा सकता है। उसके बाद में हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के क्लासिफिकेशन है यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, प्राइवेट हॉस्पिटल, वॉलंटरी एजेंसीज। तो यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जो ऐसे हॉस्पिटल जिनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है, ठीक है, जैसे कि रेलवेज हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल या डिफेंस हॉस्पिटल होते हैं ऐसे। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है कि ऐसे हॉस्पिटल जो कि स्टेट यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि पुलिस या इरिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ऐसे हॉस्पिटल स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद में ऑटोनोमस बॉडीज, तो ऑटोनोमस बॉडीज में क्या होता है कि ऐसे हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए जाते हैं अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर फाउंडेड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो इनके इनके अंडर में इनको एस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे कि AIIMS है, PGI वगैरह, ठीक है। उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल का ओनर एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है, या फिर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, जैसे MAHC मणिपाल हॉस्पिटल, ठीक है, हिंदुजा हॉस्पिटल जैसे कि, ठीक है। उसके बाद में वॉलेंट्री एजेंसीज, वॉलेंट्री एजेंसीज में क्या आता है कि ऑल हॉस्पिटल्स आर ऑपरेटेड बाय वॉलेंट्री बॉडीज, ठीक है, ट्रस्ट एंड चैरिटेबल सोसाइटीज, ठीक है, जैसे कि MCH वेल्लोर, तो ये जैसे कि MCH नहीं सॉरी CMC वेल्लोर एक हॉस्पिटल है जो वॉलेंट्री एजेंसी का टाइप है या एग्जांपल बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सिस्टम, तो सिस्टम के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, जैसे एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल एंड अदर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो सभी हॉस्पिटल होते हैं, जो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जिनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जिसमें क्या होता है कि एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में जैसे कि पहले होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, तो इसके अंदर क्या होता है कि सभी डॉक्टर कंसल्टेशन वहाँ पे बैठते हैं आउट पेशेंट में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, माइनर प्रोसीजर्स होते हैं, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, स्पेशलिटी सर्विसेज रिसीव होती हैं वहाँ से, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज की जाती है, ठीक है, और जो मेडिकल सर्जिकल OBG एंड गायनी ऑफ्थेल्मोलॉजी ENT पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक कार्डियोलॉजी यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी साइकेट्रिक इन सब मतलब जैसे कि इन सब के डिपार्टमेंट होते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है इमरजेंसी या कैजुअल्टी डिपार्टमेंट, एक होता है इमरजेंसी और कैजुअल्टी डिपार्टमेंट, जहाँ पे जो एक्सीडेंटल विक्टिम्स होते हैं या फिर कार्डियक अरेस्ट या फिर ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ठीक है, जो इमरजेंसी वाले पेशेंट होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन पेशेंट सर्विसेज IPD,
मतलब इन पेशेंट सर्विसेज, मतलब जिनकी मेडिकल या सर्जिकल केयर कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, स्पेशल अटेंशन देना है उनको, या फिर वो मतलब उनको स्टे करवाना है, या एक वन नाइट के लिए, या फिर बहुत दिनों के लिए, या फिर बहुत वीक के लिए, या मंथ्स के लिए उनका डायग्नोसिस हो चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, थेरेपीज चल रही है हॉस्पिटल में, ठीक है, और मेडिकल और नर्सिंग केयर वहाँ पे दी जाती है उनको। तो वहाँ पे उनको सर्विसेज के लिए क्या होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में डाइट्री डिपार्टमेंट होता है, फार्मेसी होता है, और अदर पैरामेडिकल सर्विसेज, रेडियोलॉजी एंड लेबोरेटरी वगैरह, ये सब सर्विसेज दी जाती है इन पेशेंट सर्विसेज में। उसके बाद में नर्सिंग डिपार्टमेंट, तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में नर्सिंग सर्विसेज और नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं। तो नर्सिंग सर्विसेज में क्या होता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है नर्सिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट, जिसमें कि इसका जो हेड होता है वो नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है। अदर और क्या कौन कौन से स्टाफ होते हैं, जैसे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या नर्सिंग सुपरवाइजर, हेड नर्स, स्टाफ नर्स, ये सब वहाँ पे होते हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद में पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में जैसे कि लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन वगैरह होते हैं, यूरिन, फीसेस, ब्लड एक्सेट्रा, ये सब होते हैं, और डिफरेंस सेशन जैसे कि हीमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ये सब वहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन वहाँ पे की जाती है, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, ये सब वहाँ पे होती है। और नेक्स्ट पैरामेडिकल डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, डाइटरी डिपार्टमेंट, जहाँ पे सभी सर्विसेज, सभी पेशेंट्स के लिए डाइटरी रिक्वायरमेंट की नीड को पूरा किया जाता है, स्पेशल डाइट दी जाती है, डाइटिशियन भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट होता है फार्मेसी, तो फार्मेसी में ड्रग्स की स्टोरिंग और डिस्पेंसिंग की जाती है, सभी मेडिसिन और आईवी फ्लूड्स की। अदर डिपार्टमेंट और कौन से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंट्स, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, सीएसएसडी, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, तो ये सब डिपार्टमेंट वहाँ पे होते हैं हॉस्पिटल में। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, तो फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल में सबसे पहले देखते हैं केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पेशेंट, उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हाइजीन एंड मेंटल थेरेपी, रिहेबिलिटेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। उसके बाद में हमारा केयर, सबसे पहले देखते हैं केयर ऑफ सिक और इंजर्ड, तो हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे सफर्ड पेशेंट आते हैं कुछ डिजीजेज के, ठीक है, जिसमें कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है जिनको वो ट्रीट करना चाह रहा है, उनकी केयर वहाँ पे होती है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड की जाती है सिक और इंजर्ड क्लाइंट को बाई हेल्थ केयर टीम। क्लाइंट आर ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ नीड, मतलब प्रायोरिटी ऑफ नीड, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि इमरजेंसी केयर, जैसे कि हार्ट अटैक है तो उसको पहले इमरजेंसी केयर दी जाएगी जनरल केयर के अकॉर्डिंग, मतलब जनरल केयर को बाद में, जनरल इलनेस को बाद में केयर की दी जाएगी, लेकिन हार्ट अटैक वाले को पहले केयर दी जाएगी। सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है, अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ऑफ रिस्क को पता लगाया जा सकता है, जिससे कि डिजीजेस का प्रिवेंशन हो सके, और ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक्स को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, और जिससे कि मतलब डिजीज होने से प्रिवेंट किया जा सके। थर्ड होता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, हायर लेवल ऑफ हेल्थ को कंप्लीट करके मेंटेन किया जाता है, ठीक है, तो हेल्थ को प्रमोट किया जाता है हॉस्पिटल्स में, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन देना, सप्लीमेंट्स देना, हेल्थ सप्लीमेंट्स देना और रेगुलर चेकअप्स कराना। उसके बाद में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस का टाइमली डायग्नोस करके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है।
पांचवा है साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हाइजीन एंड मेंटल थेरेपी। मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ में मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर कोई पेशेंट स्ट्रेस में सफ़र कर रहा है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है और उनकी काउंसलिंग की जाती है। सिक्स है रिहैबिलिटेशन किया जाता है पेशेंट का, ठीक है, उनको एजुकेट किया जाता है, जो भी मतलब जो इल है, इंजर्ड पेशेंट हैं, उनका वापस वहाँ पे रिहैबिलिटेशन किया जाता है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में कैपेबल हो सके, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एम्पुटेटेड पेशेंट है, मतलब जिसका हाथ या पैर कोई एम्पुटेट किया गया हो, तो ऐसे पेशेंट को कैसे वापस उसकी नॉर्मल लाइफ कैसे जी जाए, ये सब वहाँ पे रिहेबिलिटेशन के थ्रू बताया जाता है। सेवन है मेडिकल एजुकेशन। तो मेडिकल अटैच मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, मतलब जो मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज होते हैं वो हॉस्पिटल के अटैच में होता है, जैसे कि मेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, स्टूडेंट्स को क्लाइंट्स की केयर, उनको कैसे केयर देनी है, इंडिविजुअल को कैसे केयर देनी है, कैसे टैकल करना है, इमरजेंसी को कैसे टैकल करना है, क्लिनिकल नॉलेज सब कुछ स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। रिसर्च नेक्स्ट है हमारा फंक्शन रिसर्च। तो रिसर्च में इंसिडेंस, प्रिवेलेंस रेट, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल सेटिंग्स। तो रिसर्च में क्या होता है, किसी इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में रिसर्च का काम भी किया जाता है, ठीक है, ताकि मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है उनको कंट्रोल किया जा सके, इंसिडेंट प्रिवलेंस रेट है उनको उन सब पे, मतलब वहाँ पे कम्बाइनली हॉस्पिटल सेटिंग्स में रिसर्च किया जाता है, ठीक है, या फिर किसी हो सकता है किसी डिजीज पे रिसर्च किया जाए, या डिजीज से कैसे प्रिवेंशन हो सकता है उसका रिसर्च किया जाए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फंक्शन। ओके, थैंक यू।